हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जून मंथ का कैलेंडर और आपको बताऊंगी कि इस मंथ आपको कौन कौन से कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो शुरुआत करते हैं 4 जून से। तो गाइस, इस दिन एक नहीं बल्कि 3-3 कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले है मोस्ट अवेटेड सीरीज फैमिली मैन का सीजन 2। हर कोई इस सीरीज का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है, तो वेट फाइनली ओवर हुआ तो ये आपको देखने को मिलेगी 4 जून को अमेजन प्राइम पर। अब आते हैं 4 जून के ही दूसरे कंटेंट पर। आपको 4 जून को ही अमेजन प्राइम की वेब सीरीज डॉम देखने को मिल जाएगी, जिसमें एक फादर और एक सन के रिश्ते को बताया गया है। 4 जून के कंटेंट में तीसरे नंबर पर आता है कंजूरिंग 3, जो थिएटर्स के साथ साथ HBO मैक्स पर भी रिलीज हो जाएगी। कंजूरिंग एक हॉरर मूवी है जिसके दोनों पार्ट्स बहुत ही डेंजरस थे। अब देखना है कि कंजूरिंग 3 लोगों को डराने में कितनी कामयाब होती है। अब हम आते हैं 9 जून पर। तो इस दिन MCU की मोस्ट अवेटेड सीरीज लोकी रिलीज होने वाली है, जो आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी और इसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तेलुगु और तमिल में भी रिलीज किया जाएगा। अब बात करते हैं 10 जून की। तो आपको MX Player की सीरीज इंदौरी इश्क देखने को मिलने वाली है। ये सीरीज बेस्ड है ठरकी नाम के नोवेल पर, जिसे लिखा है कुणाल जी ने और वही इस सीरीज के राइटर भी हैं। अब आते हैं 11 जून पर। तो ये है Zee5 की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज सनफ्लावर। ये एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज है जिसमें आपको सुनील ग्रोवर, आशीष विद्यार्थी और रणवीर शोरी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। ये सीरीज 10 जून की रात 12 बजे से Zee5 पर अवेलेबल हो जाएगी। 11 जून को ही एक और कंटेंट आने वाला है, वो है लुपिन का पार्ट 2। ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा और इसमें पार्ट 1 को ही कंटिन्यू किया जाएगा। फ्रेंड्स, 11 जून को ही आपको नेटफ्लिक्स पर मूवी स्केटर गर्ल भी देखने को मिल जाएगी और जून के महीने में शेरनी मूवी भी देखने को मिलेगी, जिसमें लीड रोल में है विद्या बालन, साथ ही नीरज काबी और विजय राज भी इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। ये एक इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसकी रिलीज डेट अब तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये आपको इसी महीने अमेजन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं 18 जून पर। इस दिन तमिल की मोस्ट अवेटेड मूवी जगमय थंडरम को रिलीज़ किया जाएगा, जो तमिल के साथ साथ अदर रीजनल लैंग्वेजेस और हिंदी में भी रिलीज होगी। फ्रेंड्स, अब आते हैं 24 जून पर। ये मराठी वेब सीरीज लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। इस दिन हमें समांतर का सीजन 2 देखने को मिल जाएगा, जो आएगा MX Player पर। इसमें हमें देखने को मिले थे स्वप्निल जोशी और इस सीरीज का हर कोई बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है। जिन्होंने उसका सीजन 1 नहीं देखा है, वो एक बार ज़रूर देखें। वैसे तो ये एक मराठी सीरीज है, लेकिन इसे हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे किसी का पास किसी का प्रेजेंट बन सकता है। अब बात करते हैं 25 जून की। तो आपको इस दिन रे सीरीज देखने को मिलेगी। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। इसमें 4 एपिसोड्स होंगे जो सत्यजीत रे की स्टोरी पर बेस्ड होंगे। 25 जून को ही एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है Fast & Furious 9। और हाँ, लॉकडाउन के चलते अभी थिएटर्स खुले नहीं हैं, तो शायद मूवी इंडिया में रिलीज ना हो, लेकिन देखना यह है कि इसके मेकर्स इसे OTT पर कब लाते हैं। और अब बात कर लेती हूँ सिटी ऑफ ड्रीम्स के सीजन 2 की, जिसका बहुत लोग काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज भी आपको इसी महीने देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो रिलीज डेट है वो अब तक कन्फर्म नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और कोई डाउट हो या सजेशन हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ।